लगातार उन्होंने पहले इस बार बहुत ही अच्छी गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया शॉट, जानबूझ के खेला गया शॉट, गेंद बाउंड्री की ओर जा रहे हैं, फील्डर उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन दो रन से रोक नहीं पाएंगे। हम आपके साथ सीधा प्रसारण SNW चंद्रहमा से जुड़ चुके हैं। हम अपने व्यूवर से क्षमा चाहेंगे कि थोड़ी सी तकनीकी खराबी के कारण से हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज सुबह टॉस जीता था कश्मीर नाइट सोजिट के कप्तान ने बट शौकत ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और सलामी जोड़ी के तौर पे उनके कप्तान और हैदर अली आए हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद खूबसूरती के साथ डीप पॉइंट पे गेंद जरूर गई थी, वहां फील्डर तैनात किया गया था लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे। और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त, 6 बिना नुकसान के कश्मीर नाइट सोजिट की टीम। पहला ओवर जो डाला था आदिल ने गेंदबाजी की थी, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं ये, हालांकि कुछ प्रश्न उन्होंने ज़रूर पूछे थे बल्लेबाज को लेकिन उन्होंने बड़ी सहनशीलता के साथ उनको जवाब दिया है। कश्मीर नाइट्स की अगर आप बात करें इस मैदान में उनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग रहती हैं, ये आप सभी जानते हैं क्योंकि उनके टीम में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी हैं। ख़ास तौर से अगर आप J&K की बात करें तो जिस तरह से वो टीम उभर के आ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, उनकी तारीफ होनी चाहिए। और आज एक बार फिर वो उसी इंटेंट के साथ मैदान में उतर रहे हैं। बट शौकत जो हैं वो अब पहली बार स्ट्राइक पे होंगे। शाहिद मलिक को स्कूल की एंड से एक बार फिर गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए तैयार हैं। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन चाह रहे हैं, आइए चलते हैं फील्डिंग देखें किस तरह की फील्डिंग उनके कप्तान ने सजाई है। फर्स्ट स्लिप के अलावा गली पॉइंट कावा शॉर्ट कावा पे भी खिलाड़ी तैनात हैं। दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं, मिड ऑफ का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं और मिड ऑन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। ये कुल मिला के उनके कप्तान ने फील्डिंग सजाई है इन बल्लेबाजों के सामने। इस बार ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद दर्शक दीर्घा में और ये बहुत बड़ा छक्का शौकत के बल्ले से जो उनके कप्तान है, बहुत ही बढ़िया छक्का, कितना बढ़िया संपर्क, जो ही ये बल्ले और बैट के बीच संपर्क हुआ था तो उसको 6 रनों की छाप उस पर लगी थी। और शौकत जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो तेज खेलना पसंद करते हैं और ये उनके बल्ले से पहला छक्का, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 11 रन बना के वो अभी भी नाबाद। इस बार एक और आगे गेंद उठाया, गेंद गली के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ अगर आप शॉट खेलते हैं, प्लेसमेंट ढूंढने में कामयाब होते हैं तो उन शॉटों का यहाँ अहमियत जरूर रहती है क्योंकि आउटफील्ड जो है वो काफ़ी तेज है, इसलिए एक खिलाड़ी के तौर पर आप प्लेसमेंट ढूंढे तब जाके आप इस मैदान में कामयाब होते हैं। बट शौकत जो उनकी टीम के कप्तान हैं एक अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं और क्यों नहीं, वो जानते हैं इस प्रतियोगिता में अगर हमें बने रहना है तो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देना होगा। बट शौकत एक बार फिर से स्ट्राइक पे होंगे, इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, बिल्कुल आराम से खेलते हैं, ज़्यादा कोई जल्दबाजी करने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, आप अपना समय अपने आप को ज़रूर दें। ये दूसरा ओवर प्रगति पे है, 16 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। मीर सपोर्ट्स क्रूरी की अगर आप बात करें तो अभी तक उनके कप्तान खुश ज़रूर दिखाई दे रहा, वो यही चाहेंगे ये साझेदारी यहां से तोड़े जाए। इस बार बहुत खूबसूरत शॉट बॉलर उसके सर के ऊपर से, बहुत बड़ा छक्का और एक और छक्का और बहुत ही सहनशीलता के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके कप्तान, और यही तो फायदा है कप्तान का। जब कप्तान इस तरह की बल्लेबाजी कर लेते हैं किसी भी मैच में, जो आपके साथ अन्यथा खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर फिर अच्छा प्रभाव जरूर पड़ता है, ये हमने देखा है इस क्रिकेट में। बट शौकत इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं और कितना
बढ़िया तरीके से वो खेल रहे हैं, वो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो एक नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया, 21 रन बना के नाबाद हैं, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका मौजूद हैं। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो 190 के आसपास वो स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे। इस बार उठाने की कोशिश की थी कवर के ऊपर से, लेकिन इस बार बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। ये दूसरा ओवर प्रगति पे है, 22 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। और गेंदबाज जो शाहिद मलिक इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं सुकुलैंड से, उन्होंने 5 गेंदें अभी तक की हैं, 16 रन दिए हैं। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ है ये अभी तक। अगर आप मीर सपोर्ट्स क्रूरी की बात करें तो ऐसे में अगर इन खिलाड़ियों को थोड़ा सा खामोश रखना, इस बार ऊपर गेंद थी लेकिन मिड ऑफ पे उन्होंने ज़रूर खेला, जब तक इसको फील्डर फील्ड कर पाते एक रन से रोक नहीं पाएंगे बट शौकत को। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पे 23 बिना नुकसान के कश्मीर नाइट सोजेट की टीम। बट शौकत एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे उसका साथ देने के लिए। हैदर अली अभी भी मैदान के अंदर हैं, हालांकि हैदर अली ने अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है, वो शोनी पे खेल रहे हैं। लेकिन बट शौकत बहुत ही जारहाना मूड में दिखाई दे रहे हैं। आदिल अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हैं सुकुलैंड से, बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं। इस बार गति के साथ वहां स्क्वायर लेग पे गेंद गई थी जो 30 गज दायरे के अंदर हैं, लेकिन रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। शौकत के लिए उनके कप्तान ने फील्ड कुछ इस तरह से सजाई है, थर्ड मैन जो हैं वो 30 गज दायरे के अंदर हैं, गली पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट कावा मिड ऑफ पे भी एक खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं, वो थर्ड मैन और मिड ऑन का खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे उन्होंने रखे हैं। और एक और परिवर्तन किया है वहां फील्ड में, जो डीप स्क्वायर लेग हैं उसको 30 गज दायरे के बाहर रखा है उनके कप्तान ने, थर्ड मैन का खिलाड़ी उसको 30 गज दायरे के अंदर लाया है। कुल मिला के एक योजना उन्होंने ज़रूर बनाई है इस बल्लेबाज को लेके, आप देखना यही होगा क्या उसमें ये कामयाब होंगे या नहीं। इस बार ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, कवर के ऊपर से खेला गया शॉट, खिलाड़ी नीचे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच को लपका और इसी के साथ पहली विकेट का पतन यहां। बट शौकत वापस जा रहे हैं जिन्होंने 14 गेंदों का सामना किया, 22 रन बना के आदिल का वो शिकार बने। और जो ही हम आपको कह रहे थे कि एक रणनीति उन्होंने बनाई थी, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन उन्होंने किया था, शौकत जो हैं उन्होंने एक अच्छी पारी ज़रूर खेली है अपनी टीम के लिए, लेकिन शुरुआत में ही उन्होंने अपनी विकेट यहाँ खो डाली, जिन्होंने 14 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए जिसमें 1 चौका और 2 बड़े छक्के मौजूद हैं। और ऐसे में जो मीर सपोर्ट्स क्रीरी की जो टीम है वो इस समय मैदान के अंदर हडल बनाई हुई है, बातचीत कर रहे हैं इस समय, और ये होना चाहिए मैदान के अंदर। और ख़ास तौर से जब आप इतनी बड़ी टीम के सामने खेल रहे हैं तो आपको अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देना पड़ता है, तब जाके आप इन टीमों के सामने खेल रहे हैं। जो डेंजर मैन बट शौकत जो उनके कप्तान थे वो अब आउट होके वापस जा रहे हैं, उनके आउट होने के बाद अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं जिन्होंने 15 नंबर की जर्सी में वो खेल रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा क्या वो एक साझेदारी की यहाँ प्रयास करेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने ज़रूर है। आज सुबह टॉस जीता कश्मीर नाइट सोजिट के कप्तान ने बट शौकत ने, उन्होंने पहले क्षमा चाहूँगा गलती हुई मेरे से, टॉस जीता था बट मीर सपोर्ट्स क्रूरी ने और उनके कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और किसी हद तक वो सही भी साबित कर रहे हैं। हालांकि बट शौकत ने कुछ अच्छे शॉट्स ज़रूर खेले थे लेकिन आदिल ने जो गेंद की थी और ख़ास तौर से जो ही उन्होंने फील्ड में परिवर्तन किया था और वो उसमें कामयाब हुए। एक बार फिर आदिल सुकुलैंड से ओ द विकेट गेंदबाजी, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद
एक बार फिर वहां इस बार ओवर स्टेप करते नजर आ रहे हैं गेंदबाज, और यही एक कारण है कि अंपायर ने एक बार फिर नो बॉल यहां करार दिए हैं, यानी कि फ्री हिट एक बार फिर खिलाड़ी के सामने। बट शौकत के आउट होने के बाद अब उजैर मैदान में आ चुके हैं, ऐसे में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से यहां से खेल पाएंगे अपनी टीम के लिए, देखना यही होगा। मीर सपोर्ट्स क्रूरी के जो गेंदबाज हैं उनके सामने वो कड़े प्रश्न जरूर पहुंचेंगे। ये एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम के सामने चुनौती हमेशा रखते हैं, और आज एक बार फिर वो उसी इंटेंट के साथ मैदान में उतरते हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, कीपर से भी वहां गलती हुई, लेकिन थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर था, उन्होंने बहुत अच्छी वहां फील्ड जरूर की दौड़ के, लेकिन ये एक वाइड गेंद भी है और एक और बाई के भी रूप में एक रन जरूर मिला है। इन दो रनों के साथ ये तीसरा ओवर प्रगति पे है, 16 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट जरूर हुआ है अगर आप कश्मीर नाइट सोजेट की बात करें तो। आदिल लेफ्ट इस समय गेंदबाजी करें, जो अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए उन्होंने 9 रन अभी तक दिए हैं, एक बहुमूल्य विकेट उन्होंने लिए हैं अपने दूसरे ओवर में, जो उनके कप्तान इस बार पटकी हुई गेंद पहले ही बांप लिया था। खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, उन्होंने जानबूझ के ये गेंद शॉर्ट रखी, नतीजा डॉट गेंद हुई, यहां स्ट्राइक पे उजैर हैं। अब दो खिलाड़ी ऐसे मैदान के अंदर हैं जो जिन्होंने अभी तक कोई भी रन नहीं बनाए हैं अपने लिए, बट शौकत ने अच्छे खासे रन जरूर बनाए हैं। तो अब एक दो नए खिलाड़ी मैदान के अंदर है, ऐसे में एक गेंदबाज को यह करना चाहिए कि आप अपनी लाइन और लेंथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक रखें, ज्यादा कुछ बदलाव ना करें, क्योंकि जो करना है वो बल्लेबाजी को यहां करना है, आप अपनी लाइन से ना चूके। एक बार फिर गेंदबाज तो ये अच्छा है, उनकी गति भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इस गति के साथ सही अनुशासन सही लाइन पे गेंदबाजी नहीं करते हैं ना, तो फिर कप्तान के लिए हमेशा दिक्कतें नजर आती हैं, और यही आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। उन्होंने विकेट जरूर लिए हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन ऐसे में उनको ये करना चाहिए कि उनको लाइन अच्छी तरह से डालनी पड़ेगी, तब जाके वो दबाव में ला सकते हैं उनकी टीम को। ये चले आदिल सुकुलैंड से ओवर द विकेट, बाएं हाथ के खिलाड़ी। इस बार बहुत खूबसूरत शॉट, फाइन लेग की दिशा में खेला गया शॉट, रोकना असंभव लग रहा है, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका, कितना खूबसूरत शॉट था ये, जो ही देखा पैरों पे गेंद, कलाइयों के उपयोग से उन्होंने ये शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। ये तीसरा ओवर प्रगति पे है, 31 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी उन्होंने खोया है कप्तान के रूप में, बट शौकत ने बहुत अच्छा शॉट्स जरूर खेले थे, 2 छक्के उन्होंने लगाए थे, लेकिन अंत में आदिल की उस गेंद को उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने अपनी विकेट वहां खो डाली। एक बार फिर ऑन साइड पे गेंद थी और वहां डिफ्लेक्ट किया, फन लेग के पास गेंद गई थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वहां उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये तीसरा ओवर प्रगति पे है, 31 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, उजैर स्ट्राइक पे हैं, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 4 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं, जिसमें एक चौका मौजूद है। आदिल इस ओवर में आखिरी मर्तबा करने के लिए तैयार हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 पे एक कश्मीर नाइट सोजेट की टीम। आज सुबह टॉस जीता था मीर सपोर्ट्स क्रूरी ने, और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और अमूमन ऐसा हम कम देखते हैं SNW चंद्रहामा के मैदान में, जो भी कप्तान टॉस जीता है वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के आंकड़े, यहाँ के स्टैट्स ये दर्शाते हैं चीयर्स करना उतना आसान नहीं है। लेकिन एक अलग सोच के साथ आज मीर स्पोर्ट्स
क्रूरी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा उन्होंने जो ये फैसला लिया है वो कितना सही साबित होगा उनके लिए, ये देखना होगा। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन अब देखने को मिलता हुआ, तारिक को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से ऑन साइड के इलाके में खेला और इसी वहां पे डायरेक्ट हिट जरूर लगी, अपील जरूर हो रहे हैं लेकिन अंपायर ने वहां नकारा। खिलाड़ी जो हैं वो सुरक्षित अपने जगह पे पहुंचे थे उस कारण से उन्होंने इस अपील को नकारा। हालांकि यहां से तो हमें यही प्रतीत हो रहा था कि एक करीबी मामला जरूर होता। आज सुबह टॉस जीता मीर स्पोर्ट्स क्रूरी के कप्तान ने, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ये पांचवा ओवर प्रगति पे है, एक खिलाड़ी उन्होंने खोया है। बहुत ही अच्छी गति के साथ ही गेंदबाजी कर रहे हैं और अगर इस गति के साथ आप अनुशासन से गेंदबाजी कर रहे हैं यानी कि आप गति परिवर्तन करेंगे इस फॉर्मेट के अंदर तो आप हमेशा कामयाब जरूर होते हैं। ये चौथा ओवर प्रगति पे हैं, 33 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, एक खिलाड़ी उन्होंने अभी तक जरूर खोया है। इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंद, लेकिन गेंद खूबसूरत है लेकिन अभी तक लाइन और लेंथ पे ये सही गेंदबाजी नहीं हो रहे हैं और इसलिए आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अतिरिक्त रन लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमारे व्यूवर्स ये लिख रहे हैं कि जी हाँ, यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी यहाँ हमें दिक्कतें नज़र ज़रूर आ रही है। हमारे जो टेक्नीशियन टीम है वो लगातार प्रयास अच्छा ज़रूर करें, आप बने रहें हमारे साथ, हम आप तक लाइव कवरेज पहुँचा रहे हैं और हम अपनी ओर से प्रयास अच्छा करने का ज़रूर कर रहे हैं। एक बार फिर बहुत ही खराब गेंदबाजी, बिल्कुल लगातार दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप दिशा से भटकते नजर आएंगे तो दिक्कतें अपनी टीम के लिए आप खड़े जरूर कर पाओगे। हैदर अली उजैर जो उनके विकेट कीपर कश्मीर नाइट सोजेट के हैं, कश्मीर नाइट से एक ऐसी टीम है इस इवेंट को लेके उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, ऐसे में वो अपना खेल जरूर यहां दिखाना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को और दर्शकों को भी। इस बार बहुत अच्छी गेंद गाइड किया थर्ड मैन की दिशा में, वहां खिलाड़ी तैनात हैं लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे। ये चौथा ओवर प्रगति पे हैं, 36 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और एक खिलाड़ी उन्होंने जरूर खोया है। हैदर अली और उजैर इस समय मैदान के अंदर हैं। हैदर अली अब स्ट्राइक पे हैं जिन्होंने चार, कश्मीर नाइट्स के एक अच्छे विकेट कीपर और इस बार क्लीन बोल्ड, जी हाँ लेकिन एक बार फिर उन्होंने किस्मत वाले रहे, ये क्लीन बोल्ड हुआ था लेकिन उन्होंने स्टेप आउट वहां किया और एक बार फिर फ्री हिट का यहाँ संदेशा मिलता हुआ, इशारा मिलता हुआ फ्री हिट का। और लेकिन अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो गलतियां का जो खामियाजा है वो आपको हमेशा भुगतना पड़ता है। गेंद बहुत अच्छी थी, पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी, बल्लेबाज के पास कोई भी जवाब नहीं था इस गेंद के सामने लेकिन इस बार वो किस्मत वाले रहे यानी कि उन्होंने आउट वो जरूर हुए थे लेकिन कहते हैं ना कि बागी का भी साथ होना इस क्रिकेट में बहुत ही जरूरी और ये आप अपने स्क्रीन पे जरूर देख रहे हैं। हम अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप इस पेज को शेयर करते रहे ताकि जो अन्यथा लोग हैं जो इस खेल को पसंद करते हैं वो हमारे साथ आने वाले समय में जरूर जुड़े, वो चीज आप जरूर करें, हमारे प्रति वो प्यार आप जरूर दर्शाएं। एक बार फिर बहुत बढ़िया शॉट मिड विकेट के ऊपर से, बहुत बड़ा छक्का एक बार फिर से और इस बार हैदर अली के बल्ले से खूबसूरत शॉट था ये,
पटकी हुई गेंद थी और पहले ही पोजीशन में वो आए थे और कितना खूबसूरत शॉट मिड विकेट के ऊपर से, बहुत बड़ा छक्का। और इस छक्के की बदौलत अब 44 रन बोर्ड पे, ये चौथा ओवर प्रगति पे है। अगर आप रन रेट की बात करेंगे ना, जो इस समय करंट रन रेट है वो 12.00 की है, अगर वो इसी तरह से रन बनाते रहेंगे तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य वो मीर सपोर्ट्स क्रेरी के सामने जरूर रखेंगे। मीर सपोर्ट्स क्रेरी के जो कप्तान हैं उनके चेहरे पे जो शिकन नजर आ रही हैं, वो थोड़ा सा निराश हैं अपने गेंदबाजों से, और क्यों नहीं, अभी अभी आउट जरूर हुए थे लेकिन नो बॉल का वहाँ इशारा मिला था, उस कारण से वो बचते नजर आए वहां पे। इस बार एक और आगे गेंद, बॉलर उसके सर के ऊपर से, गेंद नहीं रुकेगी, बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका। और इन चार रनों की बदौलत अब 48 रन बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पे ये चौथा ओवर प्रगति पे हैं। और जिस तरह से यहां बल्लेबाजी हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि 200 से अधिक रन जरूर दिखाई देंगे। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके कप्तान ने टॉस जीता था मीर सपोर्ट्स क्रूरी ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, अभी तक वो बिल्कुल उनके लिए उनके हित में नहीं गया वो टॉस जीतना। अपील जरूर हो रही थी लेकिन डाउन द लेग गेंद थी और इसलिए अंपायर ने उसको सीधे शब्दों में वहां नकारा। यहां बहुत ही उच्च स्तरीय अंपायरिंग होती है SNW चंद्रहामा में, और इसलिए आप हमेशा देखते हैं जब सोशल मीडिया पे भी बातचीत होती है इवेंट की, इसको सबसे ऊपरी क्रम पे रखा जाता है SNW, जो यहाँ इवेंट इस समय हो रहा है। हमारे व्यूवर्स यहाँ जरूर लिख रहे हैं कि मीर आदिल जो हैं वो उनके कप्तान हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, हालांकि मुझे लग रहा है कि उनके कप्तान ने थोड़ी सी वहाँ गलती जरूर की है, टॉस जीत के उन्होंने गेंदबाजी की है वहाँ पे, कश्मीर नाइट सोजिट को उन्होंने बल्लेबाजी के लिए दावत दी है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती की है। चार ओवर की समाप्ति के बाद 48 पे एक कश्मीर नाइट सोजिट की टीम, बट शौकत उनके कप्तान और हैदर अली एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे पारी को शुरुआत करने के लिए। बट शौकत ने 15 गेंदों में 22 रन, एक बहुमूल्य पारी उन्होंने अपनी टीम की ओर से जरूर खेली है, जिसमें दो छक्के और एक चौका मौजूद है। स्ट्राइक रेट 146 से अधिक उनकी रही थी लेकिन आदिल ने उसको आउट करके डगआउट का रास्ता दिखाया। उसके आउट होने के बाद उजैर जो उनके विकेट कीपर हैं, एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं उस टीम के अंदर, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं वो आगे चल के इसी तरह से अपना नाम, अपना J&K का नाम रोशन जरूर करें। हम अपने व्यूवर्स का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद उनका करता हूं, वो मुझे लगातार अपने अल्फाजों से हौसला बढ़ाते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आगे चल के भी इसी तरह का सहयोग मुझे ज़रूर करें। हम आप तक लाइव कवरेज इस समय पहुंचा रहे हैं SNW चंद्रहामा से, हम आपके साथ सीधा प्रसारण जुड़ चुके हैं। कश्मीर नाइट सोजिट एक बहुत बड़ी टीम है, उस टीम की काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी होती है, आप ये जानते हैं, उनकी टीम में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी मौजूद हैं। चार ओवर की समाप्ति पे 48 पे एक कश्मीर नाइट सोजिट की टीम। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन देखने को मिलता हुआ, उबैद सोफी को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। इस बार डाउन द लेग गेंद, अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ 49 रन बोर्ड पे ये पांचवा ओवर प्रगति पे हैं। उबैद सोफी ने हालिया दिनों में डुंगडारा में एक बहुत बढ़िया पारी खेली थी, अपनी टीम को जिताने में वो कामयाब हुए हैं, जो वहाँ फोर्थ एडिशन
कप चल रहा है उसमें उन्होंने अपनी अच्छी भागीदारी हालिया दिनों में अपनी टीम की ओर से जरूर इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे। और रणनीति देखिए कितना खूबसूरत है, रणनीति देखिए कश्मीर सोजेट के टीम में कितनी अच्छी है। वो इस T20 फॉर्मेट में इसी तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए, वो रुकते नहीं हैं। और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अभी अभी जो है आबिद सोफी को गेंदबाजी की कमान सौंप दी, आते संग ही वो उनके ऊपर दबाव लाना चाहते हैं और ये मेरे विचार में ठीक रणनीति। इस बार बहुत अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे गेंद थी, एक रन से रोक नहीं पाएंगे और इस एक रन के साथ 50 रन बोर्ड पे, ये पांचवा ओवर प्रगति पे हैं। अगर आप करंट रन रेट की बात करें तो 11.54 की समय औसत से रन बना रहे हैं कश्मीर नाइट सोजेट की टीम। और ऐसे में अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य छूने में वो कामयाब जरूर हो सकते हैं। हैदर अली स्ट्राइक पे हैं, बहुत ही खूबसूरत खिलाड़ी लग रहे हैं, ऐसे में देखना यही होगा। इस बार आगे की ओर गेंद थी, कलाई के उपयोग से खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ और ये डॉट गेंद जरूर हुई है। हैदर अली ने 7 गेंदों का सामना किया, 13 रन बना के नाबाद हैं जिसमें एक चौका एक बहुत बड़ा छक्का मौजूद है उसका साथ देते हुए। उजैर जिन्होंने 7 गेंदों का सामना किया 5 रन बना के नाबाद हैं, ये पांचवा ओवर प्रगति पे हैं, 50 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि ये जो साझेदारी हैं वो कब तक वो आगे ले जा सकते हैं। इस बार गति परिवर्तन जरूर किया था, डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी जरूर तैनात था 30 गज दायरे के अंदर, मिसफील्ड जरूर हुई थी, वहां पे रन नहीं होना चाहिए लेकिन मिसफील्ड के कारण से एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहां हैदर अली को। इस एक रन के साथ हैदर पहुंचे हैं 14 पे, अब उजैर स्ट्राइक पे हैं। आज के मैच में मीर स्पोर्ट्स क्रूरी की अगर आप बात करें, मैदान में दिखाई दे रहे हैं सलीम स्टैन जो बंगडारा से ताल्लुक रखते हैं, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग उनकी भी है। और आज देखना यही होगा कि वो कश्मीर नाइट सोजेट के सामने किस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे। इस बार अतिरिक्त उछाल मिली थी, शायद मुश्किल में जरूर दिखाई दे रहे थे ये गेंदबाज। महराज रथर हमें अपने शब्दों से इस समय नवाज रहे हैं और मैं उन सभी का उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। वो मेरे प्रति जो प्यार वो दर्शाते हैं उसे मुझे काफ़ी हौसला मिलता है और उम्मीद ही है आने वाले समय में हम हर तरह के मैच आपके सामने जरूर रखेंगे। इस बार फिर से कलाइयों के उपयोग से खेला, वहाँ डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी वहाँ मिसफील्ड जरूर हुई थी लेकिन अंत में उन्होंने संभाला। डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी जरूर तैनात था सीमा रेखे पे, जब तक उसको फील्डिंग कर पाते एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 52 रन बोर्ड पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद 52-1 कश्मीर नाइट सोजेट की टीम। आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं मीर स्पोर्ट्स क्रूरी के जो खिलाड़ी हैं वो आपस में लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये सही भी है कि आप सही तरह से रणनीतियां यहां बनाएं क्योंकि ये एक ऐसी टीम है कश्मीर नाइट सोजेट की। अगर आप बात करें ये आपको सुधरने का मौका नहीं देते हैं, ये आप सभी को मालूम है और इसलिए इस टीम के सामने आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। क्रिकेट के लिए बहुत ही बढ़िया माहौल आज इस चंद्रहामा में है और खास तौर से जिस तरह का ये मैदान है चंद्रहामा, अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें 5 ऐसे मैदान आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होंगे तो निश्चित तौर पे इस ग्राउंड का नाम जरूर उसमें आया होगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 52-1 इस बार फाइन लेग की दिशा में खेला गया शॉट, वहां बहुत ही कमाल की फील्डिंग हुई थी, निश्चित तौर पे उन्होंने 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। ये 6वां ओवर प्रगति पे हैं, 52 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और एक विकेट उन्होंने जरूर खोया है उनके कप्तान के रूप में बट शौकत के रूप में जो सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे।
कप्तान ने किस तरह की फील्डिंग सजाई है। हालांकि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर जरूर होगा, उसके बाद जो फील्ड हैं वो खोल दी जाएगी उनके लिए। कीपर के अलावा गली पॉइंट कावा मिड ऑफ, ये खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं, थर्ड मैन 30 गज दायरे के बंदर बाहर है और ऑन साइड की फील्डिंग उन्होंने कुछ इस तरह से रखी है। मिड ऑन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी मौजूद हैं 30 गज दायरे के अंदर, मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात हैं, फाइन लेग के अंदर एक खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं जो 30 गज दायरे के अंदर हैं, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी बाहर बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े हैं। कुल मिला के दो खिलाड़ी उन्होंने कैचिंग पोजीशन पे रखे हैं, एक तो जैसा कि हम अपने व्यूवर्स को ये शुरुआत में ही बता रहे थे कि हमारे साथ हमारे सहयोगी कमेंटेटर जुड़ने जा रहे हैं और वो हमारे सामने तशरीफ आवर हो चुके हैं। बशीर भाई, स्वागत है आपका कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। शुक्रिया सर। जी हाँ, ये बने हैं हमारे साथ और आप कुछ देर के बाद उसकी भी जबानी सुनेंगे। ये छठवां ओवर प्रगति पे हैं, 52 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। उजैर और हैदर अली समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। हैदर अली ने 9 गेंदों का सामना किया, 14 रन बना के अभी भी नाबाद हैं, जिसमें एक छक्का और एक चौका मौजूद हैं। उजैर 11 गेंदों का सामना किया, 6 रन बना के वो जरूर नाबाद हैं। तारिक अहमद इस समय गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं आपको, उनकी इस समय भूमिका यही होगी कि उनके ऊपर दबाव लाया जाए और खास तौर से विकेट की तलाश में है। ये देखना यही होगा क्या उस